हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और पाचुरेशन के मेथड को। फर्टिलाइजेशन का मतलब है सिंपली द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिटल लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म दैट इट इंश्योर्स ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। The secretions of acrosome helps the sperm to enter into the ovum through the zona pellucidal layer. अब इसको समझ लेते हैं इस structure के through। तो इसका मतलब simply होता है कि जब fertilization होती है, मान लीजिए ये पहला sperm है, first sperm जब यहाँ पे पहुँचा, ये ovum है, ये pink color का जो होता है इसको perivitreline space बोलते हैं, और इसके बाद ये जो बाहर की ओर layer है ये कोरोना रेडिएटर है, और ये जो ग्रीन वाली लेयर है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। जब ये पहला स्पर्म आया जोना पेलुसिडा पर, ये एक्रोसोम का पोर्शन इस वॉल को डाइजेस्ट करता है और इसका अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ अंदर की ओर इंसर्ट करता है ओवम के जेनेटिक मटेरियल में। ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है जोना पेलुसिडा पे, यहाँ से स्पेशल केमिकल्स निकलती हैं और कोरोना रेडिएटर और जोना पेलुसिडा दोनों ही टफ हो जाते हैं, स्टिफ हो जाती हैं। इसके बाद इनमें से ये जो बाहर या चाहे जितने भी स्पर्म आए ये कभी भी एंटर नहीं कर सकते हैं। तो एक ओवम का फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म से ही होगा, ऐसा खुद नेचर ने डिसाइड किया है। अब देखिए इवेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये एग है, स्पर्म की एंट्री हुई, एक स्पर्म के एंटर होते बाकी कोई भी स्पर्म अंदर नहीं आ सकता, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे डिवीज़न नहीं कह सकते, क्लीवेज होता है। क्लीवेज बहुत फास्टर रेट पे सेल एक से दो, दो से चार, चार से आठ बन जाती है। क्लीवेज के परिणाम स्वरूप या क्लीवेज की वजह से जो अलग अलग सेल्स बनती हैं इनको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, क्लीवेज होती है। क्लीवेज और डिवीज़न में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो विद 8 टू 16 सेल्स होते हैं इनको हम मोरूला बोलते हैं, इसको 8 से 16 वाले स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। इसी तरह से ये बढ़ता जाता है और इसकी साइज़ भी ग्रो होती जाती है, जैसे ई के बाद एफ, ये ब्लास्टूला, ब्लास्टो, फिर बीच में गैप बनने लगता है, ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में आता है तो ये यूटेरस में आता है और एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज़ करता है। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उसी साइट पे जुड़ता है जहाँ से इसका डेवलपमेंट बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाद में प्लेसेंटा डेवलप होनी है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कह सकते हैं, उसको डेवलप होना रहता है और ये रिकॉग्निशन किया जाता है। अब देखिए इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले ये ओवरी है, ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं, ओवम बाहर निकलता है और एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। यहाँ तक स्पर्म एंट्री करने के बाद पहुँचते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की ओर आता है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइट पे अटैच हो जाता है। जब पर्टिकुलर साइट पे ये अटैच हो जाता है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और यहीं से प्रेगनेंसी को माना जाता है कि स्पेशली प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस से प्रेगनेंसी को अच्छे से माना जाता है कि अब आगे कैरी करना चाहिए, स्टार्ट हो गई है। अब देखिए प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाई यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पर होता ये है कि जब स्पेसिफिक साइट पे, वॉल पे ये जुड़ जाता है फीटस ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशन में, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्टार्ट होते हैं और पर्टिकुलर अटैचमेंट हो जाता है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पहला रिलेशन है फीटस का, चाइल्ड फीटस जो चाइल्ड है उसका मदर के कॉम से, दुनिया में ऐसा रिलेशन जिनमें सच में टिश्यूज आपस में जुड़े होते हैं और वास्तविक पहली बार प्रेम का अनुभव है किसी भी जीव के लिए।
प्लेसेंटा के बनने से फ़ायदे क्या होते हैं? तो प्लेसेंटा के बनने से ये फ़ायदे हैं कि कुछ स्पेशल हार्मोन जो केवल प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं ह्यूमन के फीमेल बॉडी से, वो हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रॉन्स, जिसमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन्स पहले भी निकल सकते हैं, बट दिस HCG एंड HPL ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही निकलते हैं। तो इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन से ये हार्मोन्स निकलते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं अप टू द कंप्लीट मैच्योरिटी ऑफ द फीटस। अब इस फीटस की पूरी स्ट्रक्चर और यूटेरस के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो ये है डेवलपिंग फीटस जो प्लेसेंटा या एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ये प्लेसेंटल वेलाई बोलते हैं इसको, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये गर्भाशय है यानी यूटेराइन की वॉल है। ये प्लग ऑफ द म्यूकस एट द सर्विक्स, जब बेबी आता है तो यहाँ पे प्लग बन जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो एमनेटिक फ्लूड है या ये जो भी यहाँ पे थिंग्स प्रोवाइडेड हैं वो बाहर न जाने पाए, उससे लॉस ना हो, बेबी की डेथ ना हो, अच्छे से ग्रो करे। देन यॉक सैक इज प्रेजेंट हियर एट द साइट एंड दिस इज द कैविटी ऑफ यूटेरस। इसके बाद जब बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो एक हार्मोन है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से इस पोजीशन पे जो सर्वाइकल बोन्स होती हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्लग पे प्रेशर पड़ता है और उसी प्रेशर के साथ बेबी बाहर की ओर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब ह्यूमन के डेवलपमेंट में शुरू के जो गर्भ में 9 महीने होते हैं उसमें एक्चुअली में 3 लेयर्स ऐसी होती हैं जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें से सबसे बाहर की ओर जो होता है एक्टोडर्म, ये गैस्ट्रोला की बात हो रही है तो गैस्ट्रोसील वाली कंडीशन आ जाती है। इसके बाद सबसे इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है, और बीच में जो होती है मीजोडर्म होती है, अलग अलग ऑर्गन्स को बनाती हैं। और यहाँ पर जो कनेक्शन होता है जो कि इन तीनों लेयर्स का एक साथ और इम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में, उसको स्टेम सेल की संज्ञा दी जाती है, मतलब स्टेम सेल कहा जाता है। स्टेम सेल एक्चुअली हाईली पोटेंशियल टाइप के सेल होते हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए और अगर हमारा स्टेम सेल प्रेजेंट हो तो स्टेम सेल से, जैसे हमारा पाँव टूट गया तो पाँव का फॉर्मेशन हो सकता है स्टेम सेल से, फिर बोन और अच्छे से पूरा डेवलपमेंट कराया जा सकता है। बट ये अभी स्टेम सेल थेरेपी बहुत कॉस्टली है और अभी भी इसका कंप्लीट जो नॉलेज है अभी बचा है, इस पर वर्क करना भी बहुत कुछ बाकी है। सो नाउ बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट्स, फीटस में लिम्ब और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला तिमाही कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्ड, जैसे लिम्ब्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। पहला मूवमेंट और हेयर यूजुअली 5वें महीने 5th मंथ में ऑब्जर्व होता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आई लीड्स और आई लैशेज भी बन जाते हैं यहाँ पे। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। अब जो लास्ट स्टेप आता है इसमें पार्चुरेशन और लैक्टेशन का आता है। तो पार्चुरेशन का मतलब है बाहर और लैक्टेशन का मतलब है कि मिल्क बनना, जिससे कि न्यू बॉर्न को फीडिंग हो सके। तो 9 मंथ के बाद क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रेक्शन होता है यूटेरस में और ये एक तरह का हार्मोनल ऑटोनॉमल भी कहा जा सकता है, जिससे कि एक्सप्लोजन या होता है या डिलीवरी हो जाती है फीटस की। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरोएंडोक्राइन यानी इसमें ब्रेन भी है और हार्मोन का भी यूज है, जैसे रिलैक्सिन वगैरह हार्मोन यहाँ यूज होते हैं। द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन फॉर फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। इस तरह से फीटस पे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स न्यूरो और एंडोक्राइन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे इस समय सोचना पड़ता है कि हाँ यस नाउ इट इज़ टाइम टू डिलीवर। एंड सम ये जो न्यूरो होता है वो ऑटोनोमस की तरह भी वर्क करने लगता है।
इसी तरह से एंडोक्राइन, रिलैक्सिन हार्मोन, लैक्टोज, इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स आने लगते हैं जो कि एकदम से कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी स्पीड को बहुत तेज़ बढ़ाते हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाए तो फीटस की डेथ हो जाती है कई बार, इसीलिए बर्थ के समय कई बार फीटस की डेथ हो जाती है। नाउ हियर, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच टर्न्स स्टिमुलस फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ता ही जाता है और विग्रस होता जाता है कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि ईजिली पार्चुरेशन हो पाए। सो आफ्टर पार्चुरेशन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और यहाँ पे क्या होगा, लैक्टेशन की प्रोसेस होगी यानी मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, शुरू के लगभग 10 दिन तक, द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। वो जो दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ होंगे तो बेबी हेल्दी रहेगा। दैट्स वाई कहा जाता है कि मदर मिल्क इज़ लाइक बोन टू द न्यू बॉर्न बेबी, वरदान की तरह होता है। थैंक यू।